मुझे ऐसा लग रहा है आज एक नहीं दो दो कुत्ते आए एक साथ। ये देखो एक इधर से फाड़ दिया और यहाँ कूदा तो ये और मटके वगैरह तोड़ दी सारी। वो क्या कर? आई क्या? वाकई बहुत स्पाइसी यार, मजा आ गया। क्या नाम बेटा इसका? इंडियन मैजिक मसाला, बहुत चटपटी यार, मजा ही आ गया। पापा ये तो गया मेरे को। अरे बेटा आपके लिए लेंगे। बच्चा अंदर अरे अरे देख के गिर मत जाना, चलाओ देख के गिर मत जाना। वो देख के तो फाइनली हमारी विंटर राइड की जो शॉपिंग थी वो भी कंप्लीट होगी। मैंने ग्लव्स भी ले लिए, इनर के लिए एक आइटम ले लिया, बढ़िया मस्त है वो, मतलब वो झेल जाएगा इस सर्दी को 100% जो इस बार हम जस्ट कहाँ पे झेलने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस वंस अगेन, आप सभी का स्वागत है वापस से एक और नए फ्रेश व्लॉग में। पता नहीं दो दिन से क्या हो रहा है, मुझे रनिंग करने में दिक्कत आ रही है, मैं पैदल ही चल रहा हूँ। कल भी मैं थोड़ा सा चला था फिर आधे में रुक गया था, उसके बाद आज पूरा एक राउंड काटा, देन उसके बाद फिर एक और राउंड काटा। मतलब मैं राउंड तो दो ही काट रहा हूँ पर रनिंग नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं आलस सा आ रहा है। और कल जैसे कि आपने देखा कि मैं अपनी बाइक के अंदर जो है हार्नेस लगवा के ले आया था, वो बहुत ज़रूरी था। और साथ ही मैंने एक और खर्चा कर दिया था, मैंने अपने हेलमेट के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस लगवा लिया था, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उस चीज़ को सबसे ज़्यादा जो अप्रिशिएट करेगी या कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो खुश होगा वो मेरी मम्मी होगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है मैं राइड पे जाता हूँ तो मेरी मम्मी कॉल करती है मुझे और मैं उठा नहीं पाता। उसका बहुत नॉर्मल सा रीज़न ये होता है कि हमारे जो मोबाइल है या तो वो बैग के अंदर होते हैं या पैंट के अंदर, कि अब किसी का भी कॉल आएगा वो ऑटो पिक कर लेता है। और अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ ताकि आज का दिन का कोटा पूरा हो जाए और फिर चलेंगे घर। चलिए चलिए हो गए एक्सरसाइज, अब चलते हैं। कट टू कट चल रहा है अभी, यहाँ पर रनिंग करूँगा, घर जाते नाश्ता करूँगा, डायरेक्ट फिर ऑफिस घुस जाऊँगा। तो फाइनली कल भी हमारा बहुत सारा खर्चा हो गया मजाक से हट के, बाइक में हार्नेस लगवा ली वो ज़रूरी थी, जैसे आपने लास्ट लोग में देख लिया होगा। उसके अंदर हमने हार्नेस लगाने से अब हमारी वायरिंग भी नहीं जलेगी, साथ ही हमारे लाइट के मोड भी बहुत सारे चेंज हो गए। और जैसे मैंने कल कहा था कि कल मैं डीकैथलॉन वगैरह जाऊँगा कुछ सामान खरीदने, कल मैं इतना ज़्यादा लेट हो गया ये वायरिंग वगैरह और ये इंटरकॉम के चक्कर में तो मैं जा ही नहीं पाया। तो कोशिश करेंगे आज ऑफिस आने के बाद डीकैथलॉन वगैरह जाए, क्योंकि वहाँ पे -4 से 5 डिग्री रहेगा। मैं ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं 4 से 5 डिग्री में झेल जाए, तो यार मुझे वो लाना पड़ेगा। तो आज मैं जाऊँगा डीकैथलॉन, वहाँ जा कर शॉपिंग करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। और अभी जस्ट घर आ गया मैं और देखो क्या हुआ है, मतलब क्या करे आदमी। ये मम्मी ने बेचारी ने इतना बड़ी मेहनत से लगाया था, ये कुत्ते ने कूद के फाड़ के और यहाँ कूद गया और ये देखो पूरा सत्यानाश कर दिया वापस से, पूरे पेड़ तोड़ दिए। और ये देखो एक तो ये किया है और साथ में एक और दिखाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आज एक नहीं दो दो कुत्ते आए एक साथ। ये देखो एक इधर से फाड़ दिया और यहाँ कूदा तो ये और मटके वगैरह तोड़ दी सारे। और इस आर्ट के पीछे जो है वो ये आर्टिस्ट है, ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये घुसा हुआ, देखो सॉरी घुसा हुआ नहीं घुसी हुई है, ये फीमेल है और ये किसी रूम घुसती है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसको चाहिए ठंडाई, क्योंकि मिट्टी खोद के अंदर घुसती है ना तो इसके नीचे पानी डालते हैं हम तो ये ठंडा रहता है। और वो है प्रेग्नेंट, सिर्फ इसी वजह से बची हुई मेरे से, अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं इसे हेलीकॉप्टर बना देता मार मार के, क्योंकि इसने ना इतना परेशान कर लिया। क्योंकि देखो ठीक है उनको भी जगह चाहिए, पर ये क्या करते हैं आते हैं इसे मिट्टियाँ फेंकते हैं और वो सारे तामझाम तोड़ के चल जाते हैं, वो फाड़ दिया वो फाड़ दिया। ये आते भी इस रीज़न से क्योंकि मेरे पास एक कुत्ता था, शायद आप लोगों में से कोई भी नहीं जानता होगा जो अभी नए जुड़े हुए, टाइसन नाम का बहुत ही प्यारा कुत्ता था मेरा, तो वो यहाँ रहता था ना, ये क्या नेल मटक के करने आती थी उससे। मुझे याद है अच्छे से, तो ये वैसा वाला सीन है, तो ये कूद कूद रात के रात भर खेलते थे वो, इस वजह से मैं जानता हूँ किसी के काम है सारे सारे, बाकी कोई भी नहीं आता इसके अंदर। जो पेड़ वेड़ सब गिरा गए, अरे यार फिर कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करें।
करेंगे वापस, उससे लेंगे करेंगे उसके बेचारे को। तो फाइनली ये हो गया, हम रेडी हैं ऑफिस जाने के लिए। और देखो तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, तुम कह रहे हो कल क्या करने में टाइम निकाल दिया पूरा, ये देखो ये कौन बटन दबा के रखता है मेरी गाड़ी का, देखना फिर नॉर्मल जल्दी थी ना, ये देखो आगे देखो आगे जाके अरे चपक 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 चपक। अभी दिन में तो क्या कुछ भी नहीं दिखेगी, ये अलग अलग पैटर्न चमकेगी, लाइट तो वही है, येलो भी लाया था वो बाद में लगाऊंगा कवर, बाकी देखो पैटर्न कैसे चल रही है, ये वो करेगी गाड़ी वाड़ी आती है ना कभी कभार सामने, देखो अलग अलग वो तार जो लाया हो ना वो तार ही काम करता है। हाँ नहीं ये नहीं, ये तो ऐसी ये पूरी ऐसे कैसे चलेगी, ये पूरा वायरिंग देखो यहाँ से लगाई थी उसने कल पूरी, ये यहाँ से जा रही है ऐसे करके पूरा इसमें जाके यहाँ पे फिट है। इस वायरिंग कराने का रीज़न ये नहीं है लाइट का चपक चपक कराना, ये मतलब इसे नाचना कूदाना, मेन रीज़न ये था इन केस वो कभी शॉर्ट सर्किट या कुछ भी होता है इसमें तो हमारी बाइक की जो मेन वायरिंग है जो आपको दिख रही है ना इधर से जा रही है मोटी सी, ये नहीं चलेगी, उससे पहले ये वाली इस पर आएगी प्रॉब्लम और हमारी बाइक की जो मेन वायरिंग है वो बच जाएगी। और ये बच्चा मुझे वहाँ से देख रहा चुपचाप, आगे 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 नाश्ता 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 डू 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 बेटा बुआ ठीक हो, एक चीज दिखाऊं तेरे को देख, देखो ए जब 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 डांस डांस करो, डीजे लाइट बन गई, डी डी उसको चीज समझ में नहीं आ रही, दीवार पे देख रहा हो अच्छा ये क्या हाँ छम छम, ये तो रात में देखना किसी जलती टिक टिक टिक, अच्छे अच्छे ट्रक हट जाते हैं सामने से, जो सामने कितना ज़्यादा फोकस मार रही है, और जो येलो लाइट जलेगी ना पड़ेंगे। चलिए चलते हम होगी मस्ती दोनों टाइम मजे आ रहे हैं, इधर तो पापा के साथ घूमने जा रहा है, इधर चाचा के साथ घूमने जा रहा है, मुझे लगा वो दूसरा लगाते हो वो क्या क्या आई क्या सामने कुछ, अरे उसकी गर्दन उसको फंस गया, फंस गया ठीक हो तो फंस गया उसका दम घुट गया। मैं तो ऐसे चलो जाओ बेटा जाओ जाओ, अब उठो चाचा को जाना, ले इसको पकड़ो, तुम मुझे पकड़ो, तुम देख तो मार रहा हूँ तुझे, चलो भागो 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 भागो, अरे बाप रे लगी ना खोपड़ी, देख 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 बेटा तो ऐसे थोड़ी होती है, थोड़ी है कट कर ले कट कर ले, जैसा तो पड़ेगा, बाय 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 बाय, चलो ठीक बाय ना। 8 hours later. So finally, अभी ऑफिस से आकर के हमने थोड़ी सी नींद निकाली, बढ़िया एकदम प्यारी सी, और मन्नू भी मेरे साथ सोया था, आता मन्नू भी मेरी सोई थी बहुत दिनों बाद उच्ची, और सबसे अच्छी बात ये कि हमारा व्लॉग बन के रेडी हो चुका है, अपलोड हो चुका है, थंबनेल बन चुका है, सारा कुछ कंप्लीट है, 8 बजे आपको हमारा व्लॉग मिल जाएगा, सही बात है बहुत अच्छा लगता है जब पूरा काम हो जाता है और आप फ्री हो जाते हो, अब बस व्लॉग बनाओ आराम से बैठ करके। तो अभी मेरा काम हो चुका है जैसे कि मैंने बताया, और हम जाएंगे अभी डीकैथलॉन, वहाँ से कुछ सामान लाना है विंटर का। केयरिंग चल रही है क्या? वाह थैंक यू यार बेटा, नीचे गिरा गिरा के तो खाते हो तुम यार, घूमने चले गए क्या? कार से एक जगह हाँ। चले हाँ। आप खा लो धीरे धीरे से यार, ज़्यादा हो जाएंगे ना हाँ। वाकई बहुत स्पाइसी यार, मज़ा आ गया, क्या नाम बेटा ऐसा? इंडियन मैजिक मसाला, बहुत चटपटी यार, मजा ही आ गया। चिकू अच्छा ना देख, अच्छा तो ये लगाया था, हाँ मैं भी ये लाया था यार, खा लो आप खा लो आराम से। तो आज हम जाएंगे कार से, और सभी को लेके जा रहा हूँ, फैमिली वगैरह को, मन्नू भी जा रहा है, मैंने कहा तू भी चल आज, काफी दिन हो जाते हैं बच्चों के घर से बाहर निकले, तो मैं सोच रहा हूँ उनको भी लेके चल रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चले मन्नू। और आज वैसे अभी तो मैं जाऊंगा मेरे दोस्त के पास, उसको सामान देते हुए निकलेंगे हम,
क्योंकि काफी टाइम से मुझे क्या जयपुर से आए हुए भी मुझे काफी दिन हो गए, उसे सारे सामान मेरे पास ही पड़े हैं, तो सोचता हूँ उसको देते हुए निकले। क्या आपकी अमानत देना है ना आपकी? मेरी बात सुन, क्या क्या लेके आना है? अभी गए नहीं क्या? अब जाऊँ? कोई जा ही नहीं रहा तो मैंने फैमिली को घुमा लो। मैंने डिकैथलॉन में एक दो फ्लीस वाले ग्लव्स हैं और एक आपको बता दूँ शर्ट अंदर एक बार दिखाई दे रहा है, दो मिनट में आ रहा हूँ मैं ना। देखो भाई साहब असली गेम तो यहाँ बना हुआ हमारे, ऐसा लग रहा है यहीं पे जंस्कार हो जाएगा अभी। क्या क्या मचा रखा था? नहीं ये दो ग्लव्स हैं। हाँ ये तो देखे थे मैंने, ये 100 रुपए के है ना। हाँ डीकैथलॉन में आ गए ना बेटा, चलो चले। हाँ चलूंगा मैं। आ जाओ ठीक है। ये बेटा ठंडा बहुत है पर यहाँ तेरी दिक्कत नहीं हो जाए यार। अब आप घूम सकते हो यहाँ पे आराम से, घूमो मुझे चीजें देख लेने दो एक बार। ये बेटा शूज देखने का, आपके शूज दिख रहे ना, शूज देखने का यार ये। ये मजा आ रहा है, मैंने देख लिया यार। बच्चा अंदर मजा आ गया क्या? टेंट है ना ये। उसको कितने मजा आ रहे हैं। अरे सफर में ये बहुत ठंड ठंड को रोकेगी आइटम। अब इसकी साइज देखनी है बस। मम्मी कैप अच्छी लग रही है? हाँ देख लो मैं एक बार। हाँ मम्मा मैं अजीब सी लग रही है, ऐसे लग रही है बच्चू जी। ये तो आपके जैसी देखो। अरे यार ये तो आपसे लग रहा है, वाकई मस्त लग रहा है। मतलब सही लग रही है। अंदर यार अच्छी पापा मस्त लग रही है ना यार। हां ये लेके चलते हैं आज। रुक जाओ उसको साइज। अरे ये कौन ये क्या कर रहा है? ये देख मनु को देखना भी मजा आने वाला। मनु इधर देख तेरे लेफ्ट में ये राइट में। अरे अरे देख के गिर मत जाना। इसको कैसे पता है इसमें ऐसे उचकते हैं उसको? हाँ मोबाइल से देखता क्या? मजा आ गया ना। इस बॉल को ऐसे पकड़ के खेलते हैं। देखो ऐसे पकड़ो, इसको पकड़ लो। नहीं नहीं इसको ऐसे पकड़ो, इसके ऊपर बैठ जाओ। हाँ ऐसे पकड़ के दोनों हाथों से इसको पकड़ लो। नहीं बस 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 आ जाओ, अब आ जाओ। चला के दिखा एक बार वापिस। चला चलाओ देख के गिर मत जा। वो देख के तेरा सी कहाँ से लिए? बस ठीक है सर, रख दो बात। अरे ले इसको संभालो, ये संभालो, ये पागल हो गया। उसके तो मजे आ गए यार, चीज तो बढ़िया यार ये। चल देख कंसीडर करेंगे अगले बर्थडे पे, इसको इसको कर लो, इसको ले लो इससे अभी। मजे आ गए तो मुझे थोड़ी लाइन देगा कुछ। मारो हाँ मारो मारो। उसके नहीं उसके मारो, बोल के मारो यार। याई 1 2 3 ऐसे नहीं, रुको 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 रुको। अरे बस 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 पता नहीं पूरी ट्रॉली में जाने क्या क्या भर लिया दादा भाई ने। आ जा मनु भाई, ठंड मर गया। हाँ बैंक का ठंडा था। मैंने नहीं रख रखा। आ जा बेटा, पूरी ट्रॉली भर ली पता नहीं किसकी चीजों से देखो बच्चे ने। चलो आज बहुत सारा सामान देखा पर लिया काम का ही। सबसे अच्छी बात ये तो मैं हर बार देखने के आता हूँ लेके क्या जाता हूँ, और जो लेना होता वो लेके नहीं जाता, तो सारा काम गड़बड़ कर देता हूँ हर बार, पर इस बार ठीक ठाक हो गया। कुछ कार है यार। तो फाइनली हमारी विंटर राइड की जो शॉपिंग थी वो भी कम्प्लीट होगी। मैंने ग्लव्स भी ले लिए, इनर के लिए एक आइटम ले लिया, बढ़िया मस्त है वो, मतलब वो झेल जाएगा इस सर्दी को 100% जो इस बार हम जंस्कार में झेलने वाले हैं, उस लेवल का हम लेके आए। और भाई साहब आप क्या कर रहे हो, ये चलती गाड़ी में क्या फेंक रहे हो? मनु फुल मजे किए इस बार दबा के। मनु मजे आए ना यार देख, आज वहाँ पर साइकिल चलाई बहुत सारे है ना। तो ये कुछ था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि इसके बाद क्या है घर पे जाके सो जाएंगे हम,
खाना वाना खा के, और तो क्या होगा, इससे ज्यादा क्या कर पाएंगे। अगर कुछ होता है तो रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं तो यहीं पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।